इन द डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल शेडेड एरिया ऑफ द सर्किल एंड सेमी सर्किल टू द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। ये रेशियो पूछ रहा है। जो डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल गिवन आपको जिसमें सेमी सर्किल है, इसकी लेंथ दी हुई है ए बाय टू और ये गिवन आपको ए और ये हुआ, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको शेड किया हुआ उसने, बेसिकली ये वैल्यू ये कैसे आई, जस्ट सिंपल है। यहाँ पे उसने ये ए बाय टू दिया हुआ है, सेमी सर्किल बोला हुआ है, इम्प्लाई दैट सेंटर यहाँ पे होगा, ये डेफिनेटली ए होगी। अब ये इसके अंदर कंप्लीट हो रहा है तो ये ए होगी, सॉरी ये ए बाय टू है, ये भी ए बाय टू है, ये भी ए बाय टू होगी, इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट लेंथ ए हो जाएगी। अब मेरे को टोटल शेडेड एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये सबसे पहले अपने सर्कुलर पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो ये कंप्लीट सर्किल है, कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सर्किल का डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू ए है, डायगोनल की वैल्यू ए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, ए बाय टू, तो यहाँ से पाई ए स्क्वायर बाय फोर आ जाएगी वैल्यू। किसका एरिया आया, ये कंप्लीट सर्किल का। अब यहाँ पे सेमी सर्किल, इसमें भी रेडियस क्या है, ए बाय टू है, इसकी भी रेडियस ए बाय टू थी, तो जो सेमी सर्किल है उसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय एट। इन दोनों को ऐड करेंगे, पाई ए स्क्वायर कॉमन आउट, वन बाय फोर प्लस वन बाय एट, दैट इज थ्री पाई ए स्क्वायर बाय एट। ये किसका एरिया आ गया, जो शेडेड रीजन है आपको। अब मेरे को किसका एरिया कैलकुलेट करना है, किसके साथ रेशो चाहिए, इसके स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन दोनों का जो कंप्लीट एरिया है उसके साथ इसका रेशो चाहिए। कंप्लीट एरिया निकालो, इसका स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की ए है इनटू में ब्रेथ ए बाय टू है, दैट इज द ए स्क्वायर प्लस ए सॉरी ए स्क्वायर बाय टू, दैट इज थ्री ए स्क्वायर बाय टू। ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल एरिया। अब उसने जो रेशो पूछा अपने से, वो शेडेड एरिया का टोटल एरिया के साथ रेशो पूछा है, इंप्लाई दैट शेडेड एरिया ऊपर आएगा, थ्री बाय एट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, ये टू से फोर कैंसिल आउट, इंप्लाई दैट आंसर आ गया आपका पाई बाय। तो जो शेडेड एरिया है उसका टोटल एरिया के साथ रेशो क्या आ जाएगा, पाई बाय फोर, ऑप्शन डी। ओके।